शिपिंग पार्टनर इंडियन ई कॉमर्स में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा शिपिंग पार्टनर चूज़ करो ताकि आपको बाद में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा और आज मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रिलेटेड टू शिपिंग इन इंडियन ई कॉमर्स एंड क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए एंड आप कुछ ऐसी मिस्टेक ना करो जिससे आपको बाद में फिर प्रॉब्लम आए इन लाइक शिपिंग वाला पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आज की इस वीडियो। नाउ सबसे पहले लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शिपिंग पार्टनर हम यूज क्यों करते हैं। तो बेसिक रोल शिपिंग पार्टनर का ये रहता है कि लेट्स से आज आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट। अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो आपके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको एक शिपिंग पार्टनर चाहिए। शिपिंग पार्टनर हो सकता है जैसे कि डिलीवरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, या फिर शिपिंग एग्रीगेटर। शिपिंग एग्रीगेटर का मतलब हो गया एक ऐसी सर्विस जहां पे सारे के सारे शिपिंग पार्टनर्स का लाइक होता है एंड आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे वो आपके पास आएंगे, वो प्रोडक्ट पिक करेंगे एंड फिर वो डायरेक्ट आपके कस्टमर तक चले जाएंगे वो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। नाउ द रीज़न वाई वी नीड एक शिपिंग पार्टनर इज बिकॉज इंडिया में अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी से आपके लाइक ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एंड काफ़ी आपके जो कम रहेगा वो एड कॉस्ट रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैश ऑन डिलीवरी रखो एंड जब आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हो इंडिया में तो होगा क्या, आपका जो कुरियर पार्टनर होगा वो जाएगा आपके कस्टमर तक एंड वही जो कैश है वो कलेक्ट करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई कोई प्रोडक्ट भेजना है उसमें वो 100 रुपीज़ मुझसे लेगा, 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ अभी। तो इसमें 50 रुपीज़ जो हो गए वो तो लग गए कुरियर चार्जेस दिल्ली टू मुंबई, राइट। बाकी 50 रुपीज़ रहते हैं आपके कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस जो कि लाइक इसलिए रहते हैं ताकि वो वहाँ पे जाएगा, वो कलेक्ट करेगा कैश एंड फिर वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे एंड जो लाइक पीरियड रहता है लाइक कितने टाइम में वो आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा शिपिंग पार्टनर है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी शिपमेंट हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। या फिर अगर आप शिपिंग एग्रीगेटर यूज़ कर रहे हो तो फिर उसकी लाइक पे आउट वाले टाइम्स क्या क्या है। तो दिस इज़ लाइक मेन फैक्टर्स जो इंडियन ई-कॉमर्स में रहते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस, मैंने एक शिपिंग एग्रीगेटर यूज़ किया था शिप रॉकेट। उस टाइम पे द रीज़न वाई मैंने वो स्टार्ट किया है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक्सप्रेस वीज हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, सारे के सारे आपको एक जगह मिल रहे थे। तो दैट वाज द मेन रीज़न मैंने वो स्टार्ट किया एंड ऑल्सो उसका जो रेमिटेंस था, रेमिटेंस का मतलब हो गया कि आपको जो जिस मैंने आपको बताया वो कैश कलेक्ट करते हैं वो आपको कब मिलेगा, उसका एक काफ़ी कम टाइम पीरियड था, आई थिंक अराउंड 2 डेज या 3 डेज का था एंड दैट्स वाई मैंने उसे स्टार्ट किया। तो इनिशियली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस शिपिंग वाले पार्ट में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक हो गया आपको कस्टमर सर्विस ठीक से मिलनी चाहिए और दूसरा हो गया रेमिटेंस, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वो जो पेमेंट है वो आपके पास आने में। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तो इसका आपको ध्यान रखना है एंड तक, जब तक आप शिपिंग पार्टनर यूज़ कर रहे हो, इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो जब तक। तो उस टाइम पे तो मेरे को स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई बट बाद में जैसे जैसे एक एक महीना होने लग गया, 2 महीना होने लग गया, उसके बाद क्या हुआ मेरी शिपमेंट्स इंक्रीज़ हो गई थी। तो शिप रॉकेट का मेरे पास लाइक डिफरेंट टाइप का प्लान था जिसमें लाइक वॉल्यूम अगर ज़्यादा होती है तो वो एडिशनल जो भी उनका लाइक प्रीमियम पैकेज होता है वो आपको फ्री में दे देते हैं। बट प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि जब भी 30 डेज खत्म होते हैं अकाउंट सस्पेंड होता है और फिर उनको कॉल करके उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि ये लाइक प्रीमियम वाला प्लान है हमारा, तो वो वापस से वो रिन्यू करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कई बार 2 या 4 दिन आपके लग जाते हैं। एंड प्रॉब्लम हियर इज़ कि इसकी कस्टमर सर्विस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है एंड उस वजह से काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी मेल्स आई है, काफ़ी इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी आए हैं कि शिप रॉकेट में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। सेकेंड प्रॉब्लम मेरे को आई थी शिप रॉकेट में, दैट वॉज वेट डिस्क्रिपेंसी के इशूज़। ये हर किसी को आती है एंड दिस इज़ ए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम। इनिशियली तो चलो जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बट जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना बाद जो आपने शिपमेंट्स पहले से भेजी होगी उनके ऊपर भी आपको वेट डिस्क्रिपेंसी के इश्यूज आ जाएंगे। नाउ व्हाट इज वेट डिस्क्रिपेंसी? सिंपल, लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट है 500 ग्राम्स का, आपने वो भेज दिया आज दिल्ली टू मुंबई, बाद में वो ये क्लेम करेंगे कि वो 1 किलो का था या 1.5 किलो का था एंड उसके बाद फिर वेट डिस्क्रिपेंसी का एक अलग से पैनल होता है, वहाँ पे आपको डिस्प्यूट करना पड़ता है कि नहीं इसका एक्चुअल वेट ये था। फिर आपको पूरा लाइक वॉल्यूमेट्रिक उसका वेट के डाइमेंशंस भेजने पड़ते हैं, उसका लाइक फोटोज़ वगैरह क्लिक करके भेजना पड़ता है एंड उसके बाद इट टोटली डिपेंड्स लाइक उनके ऊपर होता है ये कि वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे एंड मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते एंड आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम है शिप रॉकेट के साथ, सो दैट इज़ व्हाई ट्राई टू अवॉइड वैसी टाइप की सर्विस। एंड थर्ड प्रॉब्लम वॉज कि उसका जो डैशबोर्ड था उसका उतना एक्यूरेट नहीं था। नाउ जैसे ही लॉकडाउन लगा था बिकॉज ऑफ दैट हमारा इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस रुक चुका था बिकॉज कोई भी लाइक शिपिंग पार्टनर उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट्स हमें कहीं से नहीं मिल रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट जितना ही वो पॉज रहा
जैसे ही हमने फिर रीस्टार्ट किया, जब भी हमने शिप रॉकेट के डैशबोर्ड में जाके हमने वापस से ट्रैक किया, वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं मिला, बिकॉज उनका डैशबोर्ड उतना एक्यूरेट नहीं है और ना ही वो एग्जैक्ट चीज़ें दिखाता है। वो एक काफ़ी बड़ी इशू था लाइक शिप रॉकेट के साथ। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, हमने नए सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किया। सबसे पहला वॉज कि मैं डायरेक्ट डिलीवरी, ब्लू डार्ट सबके साथ मैंने बात की एंड फिर हमने स्टार्ट किया, बिकॉज शिपमेंट्स थोड़ी हमारी ज़्यादा थी तो उस टाइम पे उन्होंने हमें लाइक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वगैरह दे दिया था एंड ऑल्सो लाइक शिपिंग पीरियड फिर भी हमारा कम था। बट मैंने ये चीज़ देखी कि एवरेज अगर लेट्स से आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब उस टाइम पे आपका जो पीरियड रहता है ये पूरा जो सीओडी रेमिटेंस का होता है वो काफ़ी हाई रहता है, दैट इज़ अराउंड 10 to 15 days इन केस ऑफ डिलीवरी या फिर ब्लू डार्ट। एंड अगर तो आपकी वॉल्यूम अच्छी है तब आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो इसके बारे में, बट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड ऑल्सो जब हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे फिर मुझे उसी टाइम पे मिला था एक निम्बस पोस्ट। नाउ निम्बस पोस्ट इज काफ़ी अच्छी सर्विस, वो भी एक शिपिंग एग्रीगेटर ही है, उसमें भी आपको डिलीवरी, ब्लू डार्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ द रीज़न वाई दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट इज यहाँ पे आपको RTO का पूरा लाइक दिख जाता है कि किसका कितने RTO आपको आए हैं, कितने शिप हुए हैं, कितना ट्रांसिट में है, सारा का सारा बहुत डिटेल में आपको इसमें डैशबोर्ड में दिख जाता है, काफ़ी सिंपल चीज। एंड रीज़न नंबर टू कि मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई है, इसका कस्टमर सर्विस बहुत बहुत अच्छा है। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी मैं डायरेक्ट कॉल कर देता था एंड उसी टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व। इनिशियली भी लाइक अगर आपको शिपिंग का सेटअप करना होता है, आपको इंटीग्रेट करवाना होता है, सिंपल आप उन्हें कॉल करते हो एंड डायरेक्टली वो उसी टाइम पे आपके पास आएंगे कॉल पे एंड वो इंटीग्रेट करके दे देंगे। नाउ कस्टमर सर्विस, दैट इज़ वाई मेरे को इनकी काफ़ी पसंद आई, मुझे आज तक इसमें कोई ऐसी लाइक मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई। शिप रॉकेट में ये होता था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी आप उन्हें कॉल करते थे, कोई कॉल ही नहीं उठाता था एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी लाइक एक दो दिन तो डिले होता ही था कम से कम, बाकी चांसेस आला एक हफ्ता दो हफ्ता बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसमें, बट इसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसे ही आपकी कुछ प्रॉब्लम आई आप उसी टाइम आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी लाइक स्मूथ प्रोसेस रहता है पूरा इसमें। एंड जो सीओडी रेमिटेंस रहता है इसमें रहता है आई थिंक ट्यूजडे एंड फ्राइडे को, तो दो दिन रहता है हफ्ते में, तो कैश फ्लो का भी इसमें दिक्कत नहीं रहता। तो दिस इज़ समथिंग जो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो डिलीवरी या ब्लू डार्ट से पार्टनरशिप, बट इट्स कि आपके पास एक्स्ट्रा भी एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि जो लाइक प्रोडक्ट्स जो है आपके वो शिप नहीं हो रहे उनके थ्रू वो आप फिर इसमें भर सकते हो, लाइक आपको इसके थ्रू वो सारी जो शिपमेंट्स है वो हो जाएगी। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन स्टार्टिंग में। एंड निम्बस पोस्ट में अगर मैं वेट डिस्क्रिपेंसी के इश्यूज़ की बात करूँ वो यहाँ पे भी आते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच जितना शिप रॉकेट में आते हैं एंड अमाउंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें अगर आप चीज़ें डालोगे तो चांसेस आर कि काफ़ी जल्दी वो रिजॉल्व हो जाता है एंड इतना ज़्यादा भी आपका अमाउंट वो चार्ज नहीं करेगा जितना शिप रॉकेट करता है। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं लाइक सबके साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज शिप रॉकेट इज़ अ वेल फंडेड कंपनी एंड कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहे अपना इंडियन ईकॉमर्स का बिजनेस उनके माइंड में यही आता है कि इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम्स उन्हें बाद में होती है जब उनके सारे अमाउंट वहाँ पे स्टक हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा जब पे करना पड़ता है वेट डिस्क्रिपेंसी के इश्यूज़ की। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पे आई कुड लाइक स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाद में आती है ये प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में आएगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च ठीक से कर रहे हो एंड आपको ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इनिशियली मेन चीज़ें आपकी होनी चाहिए सीओडी रेमिटेंस आपको कब आ रहा है, सेकंड चीज़ हो गया वेट डिस्क्रिपेंसी के इश्यूज़ नहीं आने चाहिए एंड थर्ड चीज़ हो गया कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस चीज़ में ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको इनके साथ टच में रहना पड़ता है, कुछ भी प्रॉब्लम आई इंस्टेंटली आपको उन्हें कॉल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। एंड इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बाकी जो कंपनियाँ हैं वो ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ब्लू डार्ट डिलीवरी वगैरह, बिकॉज उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होता है। बट दिस इज समथिंग निम्बस पोस्ट जो कि लाइक अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब भी वो आपका काफ़ी इजीली सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी आपके कोई भी और डाउट्स होंगे आप नीचे यहाँ कॉमेंट्स में लिख सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है।